अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इंटरनेट की दुनिया से 10 अहम और धमाकेदार खबरें लेकर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए जानते हैं इस हफ्ते की इंटरनेट की दुनिया से अहम और धमाकेदार खबरें कौन कौन सी हैं। एप्पल को गुज़िश्ता दिनों $6 बिलियन का लॉस हुआ है। वो किस लिए? वो इसलिए कि एप्पल ने जो अपनी नई सीरीज़ आईफोन 13 लॉन्च की है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो रही और इसके अंदर जो चिप यूज़ की गई है वो भी शॉर्ट हो चुकी है। इस वजह से एप्पल को $6 बिलियन का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा पिछले दिनों में। फेसबुक बहुत जल्द अपनी वॉच लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम रखा है फेसबुक मेटा वॉच। इसकी जो पहली इमेज लीक हुई है, इस इमेज के अंदर फ्रंट पर कैमरा भी नज़र आ रहा है, यानी आपको फेसबुक वॉच के अंदर कैमरा भी देखने को मिलेगा। अब ये वॉच कब लॉन्च होती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये खबर तकरीबन आप सभी लोगों को पता चल चुकी होगी कि फेसबुक कंपनी अपना नेम चेंज करने जा रही है। आने वाले दिनों में फेसबुक का नेम होगा मेटा। ये इसका शॉर्ट नेम है, इसका जो कंप्लीट नेम है वो है मेटावर्स। ये इसलिए किया जा रहा है कि फेसबुक काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइन करने जा रही है, जैसे वर्चुअल रियलिटी। लेकिन फेसबुक के ओनर का कहना है कि फेसबुक कंपनी का नेम चेंज हो रहा है लेकिन फेसबुक ऐप का नेम जो मोबाइल में इंस्टॉल है वो वही रहेगा फेसबुक। माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त पूरी दुनिया की तमाम कंपनियों को बीट करते हुए नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त $2.46 ट्रिलियन की मालिक बन चुकी है और नंबर 1 पे आ चुकी है। एप्पल ने अपनी मैकबुक प्रो की नई सीरीज M1 प्रो और M1 प्रो मैक्स लॉन्च की है और एप्पल की इस सीरीज ने परफॉर्मेंस में दुनिया के तमाम दर CPU और GPUs को बीट करते हुए नंबर 1 पे पोजीशन बना ली है और इस वक्त एप्पल के इस सीरीज का परफॉर्मेंस बेंचमार्क सबसे टॉप पर है। इस वक्त तक पूरी दुनिया में एक्टिव मोबाइल यूजर्स 3.8 बिलियन हो चुके हैं, यानी दुनिया की पूरी आबादी 7.5 से 8 अरब तक है, जिसमें से तकरीबन 4 अरब लोग हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे हैं। है ना बड़ी खबर। दराज ऐप पर 11/11 सेल लगने जा रही है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो अभी से 10-12 आइटम को दराज में जाके अपने फेवरेट लिस्ट में डाल लें। जब सेल लग जाए अपनी फेवरेट लिस्ट में जाएं, वहां पे देखें जिन जिन आइटम्स पर आपको सेल में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है प्राइस का, वो चीज़ें परचेज कर लीजिएगा। और पाकिस्तान इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में नंबर 1 पोजीशन पर है। T20 वर्ल्ड कप 2021 की बड़ी बड़ी टीमों को बीट कर चुका है और जीतने की हैट्रिक कर चुका है और उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे भी इंशाल्लाह ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाएगा। फोटो एडिटिंग की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी अडोबी फोटोशॉप ने अपना वेब वर्जन लॉन्च कर दिया है। अब आपको अपने PC, मैकबुक, लैपटॉप में अडोबी फोटोशॉप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप अपने ब्राउजर में ही अपनी फोटोशॉप के बेसिक टूल्स को इजीली यूज कर सकेंगे। सैमसंग दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टैब लॉन्च करने जा रहा है, सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा, जिसका स्क्रीन साइज होगा 14.6 इंच। अब तक का ये सबसे बड़ा टैब होगा। तो ये थी इस हफ्ते की इंटरनेट की दुनिया से कुछ अहम और धमाकेदार खबरें। अगर आप इसके अलावा कुछ नया जानते हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।